राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड खेल विभाग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला खिलाड़ियों के सम्मान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित बालिकाओं को बालिका दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और उनकी सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को चला रही है और आगे भी कई नीतियों पर काम किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की महिलाएं देश और प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी राज्य की बालिकाओं को बधाई देते हुए कहा कि राज्य की बालिका खेल के क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, जिसको देखते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए खेल विभाग ने खेल छात्रवृत्ति देने के लिए उदयीमान योजना से बालिकाओं की संख्या को बालकों के बराबर ही रखा है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। खेल मंत्री ने कहा कि इस साल के अंत तक महिला खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की कार्य योजना भी तैयार कर दी जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड की सरकार प्रतिबद्ध है, जहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, वहीं सुरक्षा भी होनी चाहिए। उसको लेकर विभिन्न विभिन्न योजनाएं हमने चलाई हैं। गौरा ऐप भी अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जहाँ सुरक्षा होगी वहीं सशक्तिकरण भी। विशेष रूप से ध्यान देकर खेलों का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति आगे आए। हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी, आयोग के माध्यम से भी, और मंत्री होने के नाते अपनी ओर से भी आज के इस कार्यक्रम में किया गया। रही बात कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो मैंने जैसे मंच के माध्यम से बताया, सर्वप्रथम खेल नीति हम लोग लेकर आए। दूसरा, मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना में जितने बालक चयनित है उतनी ही बालिकाएं भी हम लोगों ने चयनित करी है, जिसमें 1500 रुपये खेल प्रोत्साहन राशि हम लोग उनको लगातार हर महीने हर बच्चे तक जो है हम लोग पहुँचा रहे हैं।